मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का क्लास रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पार्ट सिक्स में, जहां पे हम लोग इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आज डिस्कस करने जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में, जो कि मोस्ट वाइटल इवेंट है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो इट इज द मोस्ट वाइटल इवेंट फर्टिलाइजेशन। ये भी एक नंबर में क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि विच इज द मोस्ट वाइटल इवेंट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसके सिंपल इसके बारे में हम लोग जो है वो क्लास एट से रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, एट में हम लोगों ने पढ़ा, टेंथ में, और अब ट्वेल्थ में पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट, अगर हम लोग एनिमल्स की बात करें तो एनिमल में या ह्यूमन बींग में स्पर्म जो है वो मेल गैमेट होता है और ओवम जो है वो फीमेल गैमेट। अगर हम लोग प्लांट्स की बात करें तो पॉलन ग्रेन्स मेल गैमेट है और उसके अंदर ओव्यूल के अंदर में पाया जाने वाला एक जो है वो फीमेल गैमेट है। और जब ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों जो कि हैप्लॉइड स्टेज में है, दोनों का जब फ्यूज़न होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। यानी कि अगर हम लोग ह्यूमन बींग की बात करें तो 23 क्रोमोसोम इन स्पर्म, 23 क्रोमोसोम इन ओवम, दे विल फ्यूज टुगेदर एंड 46 क्रोमोसोम विल बी प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग। यहाँ पे अब ये जाइगोट जो है ये डिप्लॉयड हुआ, यानी कि टू सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जा रहा है यहाँ पे ह्यूमन बींग के केस में, 2 × 23 यानी कि 46। और ये जाइगोट जो है वो सिंगल सेल है, एक सेल का बना हुआ है, और ये एक सेल से ही मिलियंस ऑफ सेल्स हम लोगों के अंदर में बन जाते हैं। जब ये जाइगोट से धीरे धीरे एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से ऑफस्प्रिंग यंग इंडिविजुअल बनता है, ऑफस्प्रिंग बनता है, तो ये और ये माइटोसिस के थ्रू डेवलप हो जाता है, जिसको कि हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, जिसको कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। अब यहाँ पर है कि जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया फर्टिलाइजेशन, या जिसको कि हम लोग सिंगगेमी भी कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन और सिंगगेमी दोनों को हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है, एक नंबर का ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट वुड हैपन इफ सिंगगेमी फेल्स, अगर सिंगगेमी फेल हो गया, सिंगगेमी नहीं हुआ तब क्या होगा। तो अगर फीमेल गैमेट का डेवलपमेंट हो गया न्यू ऑर्गेनिजम्स में विदाउट फर्टिलाइजेशन, व्हेन फीमेल गैमेट डेवलप्स इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस, एंड दिस पार्थेनोजेनेसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये एक नंबर का क्वेश्चन ऐसे, या फिर हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो प्लांट्स में इसको हम लोग पार्थेनोकार्पी कहते हैं, और एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बोर्ड में कई बार आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन पार्थेनोजेनेसिस एंड पार्थेनोकार्पी, या पार्थेनोजेनेसिस कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है ये, तो ये या फिर पार्थेनोजेनेसिस का डिफिनेशन। तो ये पार्थेनोजेनेसिस एकदम से ध्यान में रखना है कि पार्थेनोजेनेसिस क्या है, यानी कि जब फीमेल गैमेट न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो गया विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसका एग्जांपल, मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है वो है हनी बी में जो है ये पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है, और एक तरह का बर्ड है जिसको कि हम लोग टर्की कहते हैं। इसके अलावा रोटीफर्स में, कुछ लिजार्ड्स में ये फर्टिलाइजेशन पार्थेनोजेनेसिस पाया जा रहा है। मुझे लगता है यहाँ तक मैं आप लोगों को कुछ क्लियर हो गया हो। अगर किसी तरह का कोई डाउट रहे तो आप मैसेज करके मुझे उससे जो है वो पूछ सकते हैं, कहीं पर कुछ डाउट रहे। हम लोग आगे बढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन में। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो दो तरह का है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और ये एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन हम लोग उसको कह रहे हैं किस बेसिस पे, कि वो प्लेस के बेसिस पे, कि वो कहाँ पे हो रहा है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी कि बाहर कोई भी चीज़ बाहर होता है तो उसको हम लोग एक्सटर्नल कहते हैं, यानी कि आउटसाइड द बॉडी। जब कोई चीज़ बॉडी के बाहर होता है तो उसको हम लोग एक्सटर्नल कहते हैं, और कोई चीज़ जब बॉडी के अंदर होता है तो उसको हम लोग इंटरनल कहते हैं। तो इनसाइड द बॉडी एंड आउटसाइड द बॉडी। एक क्वेश्चन यहाँ पर से हमेशा आता है डिफरेंशिएट करने के लिए कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। ये दो नंबर के आसपास का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। अब यहाँ पर है कि जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा तो उसको कोई मूवमेंट के लिए, गैमेट्स के मूवमेंट के लिए उसको कोई मीडियम की जरूरत पड़ेगी, और जो मोस्ट कॉमन मीडियम है वो है वाटर। तो यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट दोनों मोटाइल हैं, दोनों को मूवमेंट के लिए एक्सटर्नल मीडियम यानी कि वाटर की
ज़रूरत है। और इसका एग्जाम्पल जाहिर सी बात है पानी, जिन लोगों को आसानी से मिलेगी वहाँ पर ही एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ज़्यादा होगा, इसलिए ज़्यादातर जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते होते हैं उनके अंदर में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे मेजोरिटी ऑफ अल्गी है, फिशेज है, एम्फीबियन है, तो इन सब में जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। अब यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट की जरूरत पड़ेगी, कुछ रिक्वायरमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, और ये दो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स जो कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी है, ये क्वेश्चन एक बार प्री बोर्ड में आया भी है 2 नंबर का, कि ये क्या 2 फैक्टर्स हैं जो कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी हैं, जिनके बिना एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो पहला है सिंक्रोनी बिटवीन सेक्सेस, यानी कि जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं मेल और फीमेल उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा ग्रेट सिंक्रोनी यानी कि तालमेल होना चाहिए, सिंक्रोनी यानी कि तालमेल सामंजस्य हो, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों सेम टाइम में रिलीज हों, ऐसा ना हो कि मेल गैमेट रिलीज हो गया और फीमेल गैमेट रिलीज हुआ ही नहीं है तो सारा बर्बाद हो जाएगा, कोई भी फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा, और इतना पानी की इतनी बड़ी दुनिया है वो कहाँ फीमेल मेल गैमेट जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो ये सिंक्रोनी यानी कि दोनों के बीच में सामंजस्य तालमेल सेम टाइम में रिलीज होना है, ये बहुत ज़रूरी है दोनों इसके लिए। और दूसरा है लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स, जब यहाँ से वहाँ मूवमेंट होगा तो मूवमेंट के दौरान में बहुत सारे डिस्ट्रक्शन होंगे, बहुत सारा जो है वो लॉस हो जाएगा, इसलिए वो लार्ज नंबर में गैमेट्स का प्रोड्यूस होना भी ज़रूरी है, तभी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुली हो पाएगा। अब यहाँ पर है ये क्वेश्चन फिर से 1 नंबर का कि क्यों ज़रूरी है, क्यों एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के दौरान में देर इज़ नीड ऑफ रिलीज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स, टू इन्हांस द चांसेस ऑफ सिंगगैमी, ताकि सिंगगैमी हर हालत में हो, कभी भी ऐसा ना हो कि सिंगगैमी फेल कर जाए, सिंगगैमी कभी भी फेल ना करे, इसके लिए जो है वो लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, सिंक्रोनी बिटवीन सेक्सेस जो है वो ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन, और फिर ये क्वेश्चन भी कि बोनी फिशेज और फ्रॉग्स में ऑफस्प्रिंग लार्ज नंबर में क्यों प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के दौरान में प्रोड्यूस हो रहे हैं, जब लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे तो लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स भी प्रोड्यूस होंगे, यहाँ पर से भी 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। अभी हम लोग आते हैं इधर इंटरनल फर्टिलाइजेशन की तरफ, के इनसाइड द बॉडी हो रहा है और यहाँ पे मेल गैमेट्स जो है वो, अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, स्टार्टिंग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन था, धीरे धीरे जब इवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे जब डेवलपमेंट हुआ, ऑर्गेनिजम्स और डेवलप होते चले गए, ये इवोल्यूशन चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है आगे, उसमें हम लोग देखेंगे भी, तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पहले लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता था, लेकिन हायर ऑर्गेनिजम्स में धीरे धीरे जब इवोल्यूशन हुआ तो मेल गैमेट्स जो हैं सिर्फ वो मोटाइल रह गए, और चूंकि मेल गैमेट्स मोटाइल रह गए इसलिए उनको लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होना ज़रूरी हो गया, कि अगर वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस नहीं होंगे तो फिर से वो कम पड़ जाएंगे। और फीमेल गैमेट्स चूंकि स्टैटिक है, एक जगह में टिका हुआ है, उसको कहीं मूव नहीं करना है, इसलिए उनका नंबर जो हुआ वो रिड्यूस हो गया इंटरनल फर्टिलाइजेशन के दौरान में, फीमेल गैमेट्स का नंबर रिड्यूस कर गया, जबकि यहाँ पे दोनों ही मेल और फीमेल गैमेट्स लार्ज नंबर में प्रोड्यूस हो रहे थे, यहाँ पे फीमेल गैमेट्स लार्ज नंबर रिड्यूस हो गया। तो फिर से ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि भाई देयर इज सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन नंबर ऑफ फीमेल गैमेट्स ड्यूरिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के दौरान में फीमेल गैमेट का नंबर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस क्यों हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि फीमेल गैमेट्स में मूवमेंट नहीं होने लगा, फीमेल गैमेट्स रहे हुए एक जगह स्टैटिक हो गए और सिर्फ फीमेल मेल गैमेट ही मूव कर रहे थे, तो मूवमेंट जब चूंकि वो मूव नहीं कर रहे हैं तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होने की ज़रूरत नहीं है, जो नेचर है वो इस मामले में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है, वो कहीं भी जो है वो एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 1 नंबर का प्री बोर्ड में, कई साल पहले प्री बोर्ड में ये एग्जाम में 1 नंबर में आया हुआ है कि सीड प्लांट्स में जो नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स हैं, नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स जो हैं वो फीमेल गैमेट तक कैसे पहुंचते हैं, किस तरह से पहुंचते हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है। तो वो पहुंचते हैं विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब के मदद से वो मेल फीमेल गैमेट तक पहुंचते हैं। यहाँ तक हम लोगों का फर्टिलाइजेशन टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में, और उस क्लास के साथ ही फर्स्ट चैप्टर जो होगा वो हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहें,
उसके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी नोट्स हैं, उसको नोट डाउन करते रहें। टेक केयर, गुड बाय।